मुझे लगता है और बच्चे लेट हैं, मे बी बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन और एनी अदर रीजन। तो हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमारा टाइम बेकार में वेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तारिक, ताहिरा एंड जानवी, वी आर नॉट वेटिंग फॉर अदर्स नाउ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी वेटेड फॉर 5 मिनट्स, तो वी विल बी स्टार्टिंग आवर क्लास नाउ। अब देखो, लास्ट डे मैंने आपको स्पीड टाइम ग्राफ करा दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ करा दिया, मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ करा दिया, और मैंने आपको अच्छा स्पीड टाइम ग्राफ के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ करा दिया था ना कल मैंने, एक बार हाँ ना बता दीजिए सर। यस सर, हो ओके, जाएगा। तो यस्टरडे वी हैव डन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। अच्छा एक चीज उसमें और मैं बता दूं, उसके बाद आगे बात करते हैं और इसको आज इसको खत्म करते हैं, निपटाते हैं आज इसको, है ना। तो थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा, मैं आपसे कहूँ इफ इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको डिफरेंट ग्राफ मैंने बता दिया था। अगर मान लो कि मैं ये ग्राफ ऐसे लेता हूँ, इफ दिस ग्राफ इज लाइक दिस, अगर ग्राफ ऐसे है तो ये स्लोप आएगा सर, ये आपको कल बताया था, दिस दिस विल बी सम एंगल हेयर विच इज फॉर्म्ड बाय दिस ग्राफ विद द टाइम एक्सिस। ये जो ग्राफ है टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा, दिस इज दैट एंगल, राइट। अगर मैं इस एंगल का टैन निकालना चाहता हूं, टैन ऑफ थीटा, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस टैन ऑफ थीटा। तो सर आप इस बात को देखिए, परपेंडिकुलर है सर ये, और परपेंडिकुलर वाली मतलब वाई एक्सिस हमारा, अगर इसको एक ट्रायंगल ले लें हम, तो ये वाई एक्सिस पे वी हैव वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे वी हैव टाइम। तो टैन थीटा होता क्या है, तो किसी भी ट्रायंगल में, इफ यू हैव अ ट्रायंगल, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये थीटा है, तो टैन थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। तो अगर टैन थीटा मैं इसमें लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है बेटे, एक्सेलरेशन, ये तो होता है कि वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। क्या मतलब है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो द मीनिंग ऑफ दिस इज सिंपल, कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। मतलब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ले लूं, इफ आई टेक द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट विल बी सिंपली इक्वल टू एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ऐसे कहूं, फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूं कि दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। इस एक्सिस पे मैं वेलोसिटी ले रहा हूं और इस एक्सिस पे आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। इस पे मैंने वेलोसिटी लिया 20, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वैल्यू। और टाइम की जो वैल्यू है दैट इज लेट से एट दिस पॉइंट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है। आपसे मैंने बोला कि बाय सीइंग दिस ग्राफ आपको एक्सेलरेशन बताना है, तो क्या करोगे भाई। वैसे तो हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हमें वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो अगर मैं ऐसे भी सोचूं टैन थीटा, तो टैन थीटा विच इज बेसिकली द स्लोप दैट विल बी नथिंग बट परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर ये है और बेस आपका ये है सर, तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 20, इज इट करेक्ट। द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 20 और द वैल्यू ऑफ बेस इज 5, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, तो दिस टैन थीटा इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको क्लियर हो गया। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यू यू गेट टू क्वांटिटीज फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड व्हाट आर दोज क्वांटिटीज। तो आपको दो क्वांटिटी जो मिलती है फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दे आर, एक तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन, मतलब स्लोप निकाल लो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो, एंड इफ यू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, अगर आप एरिया फाइंड कर लो ग्राफ के अंडर में जो एरिया है, तो वो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता देगा। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बाय मेजरिंग द एरिया अंडर द ग्राफ, एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हरी अप, नोट इट। We'll go to the last graph and then we'll start solving questions. इसको जल्दी नोट कर लो, तो उसके बाद we'll discuss the last graph and then we'll start solving question based on this. Is it done?
सर हो गया? हेलो सर, सर नोट करके मुझे बताइए, मैं आगे बात करना चाहता हूं। प्लीज टेल मी इफ इट इज डन। डन, ओके सक्षम, ओके मूविंग ऑन। अब देखो, ओके बेटे गुड, तो नाउ मूविंग ऑन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, द लास्ट ग्राफ इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन। अब देखो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकता है या एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग हो सकता है या एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग हो सकता है। देखो, एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन के साथ आप ये कह सकते हो ना कि आइदर द एक्सेलरेशन विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिसको हम यूनिफॉर्म भी मान लेते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन वुड बी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। व्हाट डज दिस मीन, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली का क्या मतलब कि भाई इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, या ये भी कह सकते हो और डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ये भी हो सकता है। इसका मतलब इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एक्सेलरेशन विल इंक्रीज बाय इक्वल वैल्यू, और डिक्रीज के केस में मैं कह सकता हूं कि इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एक्सेलरेशन विल डिक्रीज बाय द सेम वैल्यू। नहीं आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट सेकेंड, अगर पहले सेकेंड में एक्सेलरेशन 2 meter per second square increase हुआ है, तो next 1 second में भी acceleration will increase by 2 meter per second square. In the very next 1 second also the acceleration will increase by 2 meter per second square. Is it clear? Yes sir. And yes. Decreasing uniformly का मतलब कि भाई decrease का rate same होगा। इसका मतलब है कि in equal intervals of time, equal time interval में acceleration का जो decrease आएगा वो भी equal आएगा। और last case क्या हो सकता है कि non uniform, लास्ट केस कैन बी नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज और डिक्रीज, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज और डिक्रीज, यही तो हो सकता है लास्ट केस, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज और डिक्रीज। तो बेटे बेसिकली जो आपको जो कॉन्सेप्ट आएगा वो 11th के लेवल पे वो ये आएगा, बिकॉज आपके लिए जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सिलेबस है वो इसी केस में है, व्हेन एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मैं पहले ये तो ये बता दूं बेटा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका तो ग्राफ तो सिंपल सी सही हो गया ना। अगर इफ, अब पहला पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूं कि इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो बेटे मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो आपको नहीं लगता कि इसका ग्राफ ऐसे आएगा? यस सर। भाई कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू इज फिक्स्ड, टाइम इज चेंजिंग, तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज फिक्स्ड बट द टाइम इज चेंजिंग, यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये acceleration is constant, is it clear? Yes sir. And ये भी कह सकता हूँ मैं कि it is positive, why? Because you are having this acceleration on the positive y-axis. अच्छा, दूसरे शब्दों में, दूसरा केस, मान लो ये acceleration है, ये time है, ये ऐसे बना दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि acceleration is still constant, but ये कैसा हो गया बेटा इस बारी? Negative. Is it clear? Please tell me. Yes, क्योंकि तुम लोग बहुत टाइम खराब कर देते हो यार, खत्म करना इस चैप्टर को वरना तुम ही लेट हो रहा होगा। बेटे सबको क्लियर होना चाहिए, जल्दी नोट कर, मैं आगे बात करता हूँ। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो ऐसे दिखाएंगे हम, पॉजिटिव साइड में अगर दिखा रहे हैं इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एंड इफ द एक्सेलरेशन इज शोन इन द नेगेटिव साइड इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नोट करिए, मैं आगे बात करूं। डन? नो सर। ओके बेटा, हरी अप। मोना, वेयर इज योर फ्रेंड टुडे?
Sir, she has a quiz. She has a quiz? Yes, sir. School quiz. A school quiz. And do you know anything about Vibhuti? Vibhuti is also not present today. Anyways, ये हो गया होगा. We move to the next concept related to this. No, sir. अच्छा अच्छा. Note करो. Sir, done. Okay, बेटे. अब देखो, the next concept related to this acceleration का case. Listen to me carefully. Let's say I'm saying this is acceleration time graph. और ये फिर से आप देखना, ध्यान से सुनना. आपको ना यही चीजें याद रखनी, यू हैव टू रिमेंबर दीस थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूं. जैसे द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दीस थिंग्स, राइट? क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दीस कॉन्सेप्ट्स ओनली. तो देखिए, मान लो बेटे कि अगर मैं इसके अंडर भी कोई एरिया कंसिडर कर लू, आई एम टेकिंग सम शेडेड रीजन under this graph, right? So of course I can claim that ke this is nothing but acceleration here. This is acceleration. And on the x-axis we have this length as time. Is it clear? Bhai, y-axis pe ye matlab ye agar main rectangle consider kar raha hu na, ye rectangular portion aapko dikh raha hoga. This rectangular portion that I have considered, in this rectangular portion can I find the area? Of course I can find the area. How would I find the area? So don't you think area would be nothing but length into breadth means acceleration multiplied by time? Who will tell me what will be this value called as? What is acceleration multiplied by time? Who will tell me? Saksham, acceleration ko time se multiply kar do to kya ban jata hai wo? Distance. Velocity ban jata hai. Distance ka. Good Tahira. Acceleration is what? Acceleration is change in velocity upon time. Remember this, otherwise you will commit mistakes in this. So isliye listen to me carefully. Acceleration hota kya hai? Change in velocity. Theek hai, not only velocity but we call it as change in velocity upon time, right? So if I multiply acceleration with time, so I'll get the value of change in velocity. Aur yahan hum kya kar rahe hain? We are multiplying this acceleration with time. Humne acceleration ko टाइम से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें जो यहां पर मिलेगा दैट वुड बी द चेंज इन वेलोसिटी. आई बात समझ में? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. इज इट क्लियर? आई बात समझ में? इसका मतलब एरिया को आप सिंपली क्या लिख सकते हो? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल. नॉट ओनली वेलोसिटी बट इट विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है सर, इसको नोट कर लीजिए. अब आपको ये बातें याद रखनी है कि कौन से ग्राफ से हमें क्या मिलता है, व्हाट वी गेट फ्रॉम विच ग्राफ. ठीक है, तो जल्दी से नोट करो सो दैट वी कैन प्रोसीड. Done, sir. No, sir. Sir, wait. ओके, अब देखिए मेरी बात समझिएगा सर. तो ये हो गया. अच्छा, ये जो भी मैंने अभी दिखाया है आपको, ऑल्दो वी हैव शोन यू दैट के द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वुड बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी,
और जो मैंने ग्राफ बनाया था दैट वॉज ड्रॉन व्हेन एक्सेलरेशन वॉज कॉन्स्टेंट. बट याद रखो बेटा कि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो, इफ द एक्सेलरेशन इज इवन वेरिएबल, देन ऑल्सो द एरिया अंडर द ग्राफ वुड बी इक्वल टू, एरिया अंडर द ग्राफ वुड बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ. अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करे, मान लो, अगर बेटे मैं एक दो और ग्राफ बता देता हूँ, जल्दी जल्दी सुनिए. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, अगर सर मैंने ग्राफ ऐसे बनाया है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पहली बात तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है. स्ट्रेट लाइन आने का मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन और टाइम लीनियरली रिलेटेड है. और लीनियर रिलेशन कब होता है? लीनियर रिलेशन तब होता है कि व्हेन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एक्सेलरेशन चेंजेस बाय इक्वल वैल्यू. क्लियर? इसका मतलब है कि ये वाला जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, सिमिलरली अगर बेटे मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दूं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, और ये ग्राफ ऐसे आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा बच्चों? बोलो, व्हाट डज दिस ग्राफ मीन? एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. ऑफ कोर्स, डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. ठीक है, मतलब अगर यूनिफॉर्म इंक्रीज या डिक्रीज है तो ग्राफ तो आएगा तो स्ट्रेट लाइन विथ सम स्लोप. इंक्रीज में ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव होगा, और जो डिक्रीज वाला केस है उसमें जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा. तो दिस इज द केस व्हेन एक्सेलरेशन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली और डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली. बट मैंने आपको ये बोला कि आइदर द एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट और इट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली और डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली. ठीक है, और इंक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली और डिक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली विथ टाइम. इन ऑल द केसेस एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ will be equal to change in velocity. Area under acceleration time graph will be equal to change in velocity. It is not only valid for constant acceleration. It is valid for variable accelerations also. Whether it varies with time uniformly or non-uniformly. ये note कर लिया सबने? Note कर लो जल्दी से रफ्तार तेज. Hurry up. Hurry up. Ho gaya. अरे हो गया होगा. यस सर. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए. अब आपको मैं फिर से सारी बातों को रिपीट कर रहा हूँ. जानवी, आर यू देयर? बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड टुडे. जानवी, ओके, अब मेरी बात सुनिए. आई एम रिपीटिंग द होल कॉन्सेप्ट अगेन एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इफ यू हैव डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है? बोलो, गिव्स व्हाट? स्पीड. भाई सबको याद होना चाहिए, बिकॉज इफ यू विल नॉट रिमेंबर दिस यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. गिव्स स्पीड, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो मैं आपको फाइनली लिख रहा हूं. दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. If you have displacement and time, the slope of displacement time graph will give you what? Gives velocity. What? Velocity. Bhai, sabki awaaz nahi aa rahi. Everyone has to respond to this, please. Point number third, slope of velocity time graph gives you what? Acceleration. Bahut badhiya. Gives you acceleration. Theek hai? Gives you acceleration. Okay, moving on. Fourth, area under velocity time graph gives what? Displacement or distance. Displacement and distance. दोनों बता देता है ये. ठीक है, बस एक बात का हमें याद ख्याल रखना है कि if your area is on the positive side, so it will be taken as positive for calculating displacement.
And negative, if it is on the negative side, it will be taken as negative for calculating the displacement. ठीक है? And if you have velocity time graph, अगर उसमें कोई part negative side में भी है, तो you have to take the positive value only when calculating distance, while calculating distance. Clear? Okay. The fifth point, area under distance time graphs gives what? Sorry, distance time क्या नो? Area under speed time graph, speed time distance. What is happening? Distance. A speed time graph gives what? So it gives gives only distance. It cannot give you the displacement. Yes. Okay, it cannot give you displacement, right? And the last point, area under acceleration time graph. ये क्या बताता है सर? Gives what? Velocity or change in velocity? Change in velocity. Good time. Change in velocity. I hope everyone will remember these points. You have to remember all these six points, right? You have to remember these six points if you want to solve the problems and you want to understand the concept of graph. So these are the six points, right? Now moving on. Let's start with some questions. अब मैं कुछ questions से start करता हूँ solve करना, ठीक है? और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे? सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं. आई विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन और फिर हम आगे की बात करते जाएंगे. ठीक है, तो लिसन टू मी नाउ. ठीक है, आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन पार्ट नाउ. ठीक है, अब क्वेश्चन देखिएगा. सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आसान सा, पूछते हुए बिल्कुल शर्म आ गई. स्पीड टाइम, द ग्राफ इज दिस वे. यह ग्राफ सर, ये ग्राफ स्पीड टाइम का आपसे बोला गया. यहां पर ये इट इज 0.0, स्पीड इज गिवन इन मीटर पर सेकंड एंड टाइम इज गिवन इन सेकंड्स. ठीक है, आपसे बोला गया कि यहां पर द वैल्यू ऑफ स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड. मैंने यूनिट ऊपर लिख दिया है, तो आई डोंट नीड टू राइट द यूनिट अगेन. यहां पर स्पीड इज 10, हियर द वैल्यू ऑफ टाइम इज 2 एंड हियर द वैल्यू ऑफ टाइम इज 4, मींस 2 सेकंड्स एंड 4 सेकंड बिकॉज आई हैव रिटन द यूनिट. ठीक है, टाइम की यूनिट सेकंड्स में और स्पीड की यूनिट किस में? तो स्पीड, द यूनिट ऑफ स्पीड इज इन मीटर पर सेकंड. अब आपसे सिंपली सवाल पूछा गया है, द ओनली क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज व्हाट विल बी द डिस्टेंस. हरी अप, जल्दी बताओ डिस्टेंस बताओ. द ग्राफ दैट आई हैव शोन टू यू, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. इफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड टाइम फॉर अ बॉडी, तो उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है इन 4 सेकंड्स. Find the distance covered by the body in 4 seconds. जिसका ये ग्राफ है. 40. Everyone, please respond to it. Sakshan has got 20, and Tyra is getting 40. Tyra का आंसर 40 है, सक्षम का आंसर 20 है. और कोई? मौना, व्हाट्स योर आंसर? जानवी, काइंडली टेल मी योर आंसर. जानवी 20. मौना, व्हाट इज योर आंसर? तारा फाइनली गॉट 20. ओके, हरी अब. तारिक, तुम्हारा आंसर क्या आया? यस सर. भाई ये तो बच्चों वाली बात है. डिस्टेंस मींस व्हाट? अभी बताया ना, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया वही तो यूज करोगे ना. डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, राइट? एंड यू कैन सी दिस इज अ ट्रायंगल. तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यही तो होता है. अब ये बच्चों वाली बातें बतानी पड़ रही है मुझे. तो हाफ इंटू बेस, ट्रायंगल का बेस क्या होएगा सर? तो दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल, राइट? और इस बेस की लेंथ कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बेस? यहां पर 0 है, यहां से यहां तक आके 4 हो गया. तो दिस विल बी रिटन एज 4 इनटू हाइट. दिस इज योर हाइट, करेक्ट है? तो ये हाइट क्या है? दिस इज इक्वल टू 10. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 10. आई एम नॉट पुटिंग एनी यूनिट हियर बिकॉज दैट विल गेट कैंसल्ड आउट. सेकंड, द यूनिट ऑफ टाइम विल गेट कैंसल्ड आउट. और जो फाइनल आंसर आएगा वो सिर्फ मीटर में आएगा. आपको यकीन ना आए तो आप पुट करके देख लो. जैसे ये 4 इज टाइम, तो ये 4 सेकंड हो गया. आई एम पुटिंग द यूनिट्स, राइट?
और यहाँ पर 10 इज द स्पीड, तो द यूनिट ऑफ दिस इज मीटर अपॉन सेकंड, तो अनडाउटेडली दिस सेकंड एंड दिस सेकंड गोज राइट, दिस टू गोज बाय डिवाइड्स 4 बाय 2 राइट, तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, इट विल बी सिंपली इक्वल टू 20 मीटर, यू विल ओनली बी हैविंग द यूनिट फॉर लेंथ राइट, सबको क्लियर है? अब कुछ yes, अच्छे सवालों पे आ सकता हूँ, थोड़ा लेवल बढ़ा सकता हूँ, इज इट अंडरस्टूड बाय एवरीवन? ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बेटा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, डोंट वरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सेइंग कि दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, एंड दिस ग्राफ इज ड्रॉन लाइक दिस, यहां देखिएगा, ये ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ऐसे ये यहां तक गया ऐसे, और ये ऐसे आया, दिस इज द ग्राफ, यहां पर जो टाइम की वैल्यू है, लेट दैट वैल्यू ऑफ टाइम इज 2 सेकंड्स, लेट द वैल्यू ऑफ टाइम इज 6 सेकंड्स, ठीक है, द वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, अगेन यू आर सपोज टू कैलकुलेट द सेम, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, इफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ बॉडी मूविंग लाइक दिस, ठीक है, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड्स, what is the distance covered by this body in 6 seconds, hurry up, tell me, sir please repeat your question, I couldn't hear you, beta you are supposed to find the value of distance, that's it, I mean this graph is drawn for a body moving with the velocity as shown and the graph represents the velocity as a function of time right, so you just have to find the distance that is traveled by the body in the total time of 6 seconds, okay Saksham. देखिए बेटा, अगेन यू आर सपोज टू कैलकुलेट डिस्टेंस, आपको मालूम है, आपको वो पॉइंट्स याद रखने हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया राइट, तो यू जस्ट फाइंड द एरिया, एंड एरिया कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वेज, यू कैन टेक दिस होल अरेंजमेंट और होल फिगर एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल एंड अ रेक्टेंगल, आप इसको ऐसे मान सकते हो कि दिस इज अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको और ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है आप लोगों को, या तो आप इसको आप टोटल एरिया आप ऐसे लिख सकते हो, देखो बच्चों की तरह अगर हम सॉल्व करें तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि भाई एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप इसको ऐसे कर सकते हो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो लेट्स चेक दिस ट्रायंगल वाला पार्ट, बेस इज हाउ मच, तो हाफ इंटू बेस इज 2, इज इट करेक्ट, एंड हाइट वुड बी व्हाट 20, टेल मी यस और नो, yes, and for rectangle if you remember for rectangle what is the area, so area for a rectangle is length into breadth, clear hai, to length into breadth agar aap karenge meri baat dhyan se suniye, to ye jo rectangle aapko dikh raha hai, the rectangle that is visible to you, can you please tell me what would be its length, this length what will be the value of this length, of course it would be 4, confusion nahi hona, ye 4 hai because it has started from 2 and ends at 6, तो ये पूरी लेंथ कितनी हुई 4, और ये वाली जो हाइट है ये तो 20 है बेटे, इसका मतलब व्हाट वुड यू राइट, यू विल राइट इट एज 4 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो 2 गेट्स कैंसिल आउट बाय 2, दिस विल बिकम इक्वल टू, यस जानवी यू आर राइट, 100 मीटर, या तो आप इसको ऐसे लिख लो एज द सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या तो आप इस बात को ऐसे लिख लो, या इसी को अगर आपने थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ी है क्लास 7th 8th में, तो आप इसको एक ट्रैपीजियम कह सकते हो, इट्स अ ट्रैपीजियम, और ट्रैपीजियम इट्स अ ट्रैपीजियम, इज इट करेक्ट, ये पूरा अरेंजमेंट, ये पूरा डायग्राम अगर मैं देखूं, ये पूरा इट्स अ ट्रैपीजियम, सुना है कभी नाम, तो ये ट्रैपीजियम है, और ट्रैपीजियम अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं, तो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम मैं लिख देता हूं भाई, एक एक बात लिख देता हूं, उसके बाद भी अगर तुम लोग नहीं पढ़े ना तो अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है, फिर वो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम इक्वल टू कितना होता है, होता है हाफ इंटू सम ऑफ, ये मैं थोड़ा इधर से लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ
पैरेलल साइड, कौन सा साइड? पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय हाइट. हाइट का मतलब होता है दोनों पैरेलल के बीच के डिस्टेंस, इसी को हाइट कहते हैं. समझ रहे हैं आप? मतलब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता डायरेक्टली ट्रेपीजियम के फॉर्म में, तो मैं ऐसे लिखता हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो साइड्स जो पैरेलल हैं. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको ये सब इरेज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर द टू साइड्स व्हिच इज पैरेलल? 4 and 6. अरे सबको क्लियर है या नहीं? ऑफकोर्स 6 and 4 इज पैरेलल. तारिक भाई, ये वाली जो साइड दिख रही है आपको और ये वाली जो दिख रही है, दे आर पैरेलल. और ये वाली लेंथ कितनी है? 4 है. और ये वाली यहां से 0 से स्टार्ट होगी, तो दैट इज 6. तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड 6 + 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट. हाइट मतलब मैंने क्या बोला, दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस, और वो कितना है? 20. तो 6 + 4 इज ऑब्वियसली इक्वल टू 10. 10 / 2 इज 5. 5 × 20 इज अगेन 100 meters. क्लियर हो गया सर? हरी अब नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट पे आते हैं. अब धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा. अब देखो कितनों को मेरी बात समझ में आती है. भाई मैंने ऐसे बोला, ये ऐसा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहा हूं मैं. देखिएगा ध्यान से, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम है in seconds. This is a velocity time graph. यहाँ पर the value of time is, let's say it is 4, and यहाँ पर जो value of time है, it is equal to, let's say is equal to 8. Clear? The velocity at this point is 10, and the velocity at this point is -10. ठीक है, सबको clear है? This is a velocity time graph, as you can see, and coordinates I have already given you the coordinates. What you are supposed to calculate is find distance and displacement in 8 seconds. Distance or displacement आपको calculate करना है. कितनी देर में calculate करना है? You have to find this in 8 seconds. Hurry up. आप कर सकते हो. देखो चाहे distance हो या displacement, you have to find the area. That's it. You can solve. Please hurry up. Saksham has got 40. This 40 is distance or displacement? 40 is the value of distance or displacement, Saksham? Displacement 40. Kuch, you are committing some mistake. Displacement ka answer main bataunga nahi abhi to, warna to tum keh doge ki haan yahi aaya hai. Displacement is not 40. मैं इतना बता रहा हूं कि displacement, the answer that you have got for displacement is wrong. Who else has got the answer? किसका और आ गया answer? भाई दो area ही तो add करनी है, add subtract. मैंने hint भी दे दिया है. भाई triangle ही तो बन रहा है ना, दो triangle है सर. यार ये बचपन की geometry है, ये class 5-6 में पढ़ाई जाती है. और डिस्टेंस 20 आ रहा है, सर 4. डिस्टेंस 4 आ रहा है, 4 तो बहुत कम आ रहा है तारे, 4 गलत आ रहा है.
Now you got the correct answer. Okay, now you have got the correct answer, Saksham. देखो भाई बाकी जो सन्नाटे मेरी बात सुनो. If you are calculating the value of distance, undoubtedly distance will be area under the graph. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मैं जो आपको बता रहा हूं. अगर आप इस वाले रीजन को देखो, if you look at this region, तो it is in the positive quadrant. Clear है? But this part of the graph is in the negative quadrant. Is it clear? मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था कि इफ यू आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो यू विल हैव टू टेक द एरिया ऑलवेज पॉजिटिव इवन इफ दैट रीजन लाइज इन द नेगेटिव क्वाड्रेंट. मैं इस बात को हिंदी में रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकाल रहे हो तो एरिया निकालने के लिए आप डिस्टेंस का मतलब एरिया निकालोगे और वो एरिया आप हमेशा पॉजिटिव ही लोगे चाहे वो रीजन नेगेटिव क्वाड्रेंट में क्यों ना हो. भाई ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला नेगेटिव पार्ट है. क्यों ये नेगेटिव है? बिकॉज़ इस साइड में वेलोसिटी नेगेटिव है यार. अरे हाँ ना तो बोल. बट स्टिल व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस यू विल बी टेकिंग दिस नेगेटिव ऑल्सो एज पॉजिटिव, राइट? जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड लेंगे आप. मतलब क्या लिखेंगे आप? हाफ. देखो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ, ये बेस है इसका, दिस बेस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 10 प्लस ऑफ नीचे वाले ट्रायंगल का हाफ, बेस इज अगेन 4 मल्टीप्लाइड बाय 10. ऑल्दो दिस इज नेगेटिव बट व्हाइल यू आर राइटिंग द डिस्टेंस यू विल बी कंसीडरिंग द स्पीड और स्पीड कैन नेवर बिकम नेगेटिव, राइट? तो दिस इज वेलोसिटी बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द स्पीड फ्रॉम दिस गिवन वेलोसिटी यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड. भाई ये वेलोसिटी है बट आपको जब स्पीड लिखना है तो आप इसका नेगेटिव साइन हटा देंगे. सिंपल सी बात है. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा यहाँ 2, तो ये 20 plus 20 is equal to 40. This is your distance. Janvi, how did you got 404? Yes. अच्छा, what about displacement? तो ध्यान से सुनो, displacement क्या लिखोगे आप? ऊपर वाला एरिया as it is half into base into height, half into 4 into 10 plus of half into 4. 4 is positive. Okay, Janvi, no issue. 4 is positive. This is again 4. But jab aap ye likhoge na ye, as you are writing displacement, to displacement ka matlab velocity. To jab aap sir velocity likhoge, to idhar velocity negative hai. Agar aap dekhoge, to ye 0 nahi hoga. Sir, pata nahi sir, kya bole sir? Yes, sir. Bhai, is it clear to all? Please respond. Mohuna? Is this clear to you? Again, I repeat the same. If you have any region in the negative quadrant for the velocity time graph, if you have any region in the negative quadrant, then to calculate the distance, you will take that area also as positive. But to calculate the displacement, the area which is lying in the negative region will be considered as negative. Right? ठीक है, तो ये मैं erase कर दूँ, आगे बढ़े. और थोड़ा सा बस यही सब टाइम पास है यार. ये है क्या बेसिकली? अगर आप देखो तो ये टाइम पास वाली बात ही तो है. कर क्या रहे हो आप? एरिया ही तो निकाल लो, ट्रायंगल की एरिया निकाल लो. अरे यार ये बचपन से निकालते आए हैं. बचपन में नहीं निकाला है ट्रायंगल की एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट? बचपन से जानते हैं सर. कौन सा रॉकेट साइंस है ये? ओके, मूविंग ऑन. एक दो और क्वेश्चन आप लोग कर लो जल्दी से ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए, फिर मैं आगे बात करता हूँ. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा. मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ. क्वेश्चन, आप लोगों को दो चीजें बतानी है इस ग्राफ में. जो मैं अभी आपको ग्राफ दे रहा हूँ, आपको दो चीजें बतानी है. अगेन दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अगेन दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यू हैव टू फाइंड आउट टू थिंग्स फ्रॉम दिस ग्राफ. ये ऐसे है ग्राफ, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया. थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं इसको. ये ऐसा है. This axis we have time in seconds and this axis we have velocity in meter per second. This is velocity in meter per second and of course time is in seconds. Don't get confused, time is in seconds. I'm writing different coordinates. Yahan par we have this as 5 and the velocity at this point is, let's say it is 50. Theek hai? Yahan par the value of time or the coordinate of time is 7
और यहाँ पर द कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम इज 10. क्लियर है? आपको दो चीजें बतानी है, बिल्कुल बच्चों वाली बात पूछ रहा हूँ. फाइंड डिस्टेंस, पहला फाइंड डिस्टेंस, और दूसरा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 5 seconds, फिर 5 to 7 seconds, 5 seconds to 7 seconds, and the last one 7 seconds to 10 seconds. ठीक है, दो चीजें करनी है. मैं कुछ टाइम दे रहा हूं आपको, पहले यू अटेम्प्ट फॉर दिस, देन आई विल सॉल्व फॉर यू. पहले यू ट्राई इट, आप ट्राई करो इसको. हरी अप, ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट. ओके, किसी का आ गया 300. ओके, जानवी हैज गॉट द आंसर 300. नहीं सॉरी, सक्षम हैज गॉट दिस आंसर. सॉरी, ओके ओके, सॉल्व करिए आप. जानवी हैज गॉट दिस एज 325. अच्छा, सर बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने, ये इतना कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है. यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द एरिया यार, दैट्स इट. पहला पार्ट तो बता ही सकते थे अभी तक. डिस्टेंस यू आर गेटिंग एज 475. ओके तायरा, आई डोंट नो अबाउट अदर्स. देखो मैं इसको अगर देखूं ना, तो आप इसको ऐसे दो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल मान सकते हो. ठीक है, यू कैन. ओके तारीख, देखता हूं मैं कितना आंसर आता है. You can consider it as two triangle and one rectangle. Either you can consider this as two triangle and one rectangle. या फिर आप इसको पूरा एक trapezium नहीं कह सकते? भाई trapezium वो होता है ना जिसके दो sides parallel होते हैं और दो नहीं होते. अरे तो ये trapezium तो है ना. And being trapezium, मैं directly trapezium ही से solve करूंगा, because that would be the easy way. तो trapezium में हम करते क्या है बेटे? तो trapezium में हम करते हैं half into sum of parallel sides. And what are these parallel sides here? तो देखो यहां पर जो दो parallel side आपको दिख रहा है, वो एक तो ये है और एक ये है. यार हाना बोलो. This length is 2 and this length is 10. ठीक है, not 3 and 10 जानवी, it is 2 and 10. You are going from 5 till 7. तो 5 से 7 अगर हम गए तो आपने कितना लेंथ कवर किया? यू हैव ओनली कवर 2, राइट? तो क्या लिखेंगे आप? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड. तो 10 प्लस ऑफ 2 इनटू हाइट. हाइट मींस द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, व्हिच इज व्हाट? व्हिच इज 50. भाई यही तो है ना, एंड दिस इज नथिंग बट 50. तो ये क्या लिखोगे आप? हाफ इनटू दिस विल बी 12 मल्टीप्लाइड बाय 50. यही तो लिखोगे. दिस इज व्हाट यू विल राइट. इज इट क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 2 और ये मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 6 into 50. द आंसर वुड बी इक्वल टू 300 meters. एंड आई गॉट दिस आंसर ओनली फ्रॉम सक्षम. गुड सक्षम, यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर. 300 meters इज द राइट आंसर. आई डोंट नो हाउ डिड यू गेट 475 या 250, कैसे आ गया.
भैया सिंपल सी बात है, इट्स जस्ट अ ट्रापीजियम, और ट्रापीजियम में दो पैरेलल साइड देख लो और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लो. मौना, यू आर नॉट सेइंग अ वर्ड. डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड. ब्रेक योर साइलेंस मौना. व्हाट यू वर व्हाट? Sir, I understood, but that time I was trying to solve it. Okay, so you couldn't because of this calculation mistake, I guess. Yes. Anyways, so this is how you will calculate the distance. Jaldi se note karo, iska second part ko solve karte hain. Let's solve the second part. Acha, who will tell me how to find the acceleration from velocity time graph? Slope. Acceleration hum kaise pata karte hain? Slope. Bhai, ek hi bachcha samajh raha hai, baaki log shayad nahi samajh pa rahe. Acceleration ka matlab slope. और स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस. मैं यहां पर लिख रहा हूं, अब देखिए आप लोग, और जिसको नहीं समझ आए वो प्लीज पूछे. सर पहले मैं 0 to 5 सेकेंड्स जा रहा हूं, मतलब यहां और यहां के बीच में. तो मैं लिख देता हूं पूरी बात. एक्सेलरेशन मतलब स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस. और इस ट्रायंगल में, सिर्फ इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें अगर हम परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो दिस परपेंडिकुलर इज 50 एंड बेस इज 5, तो इट वुड बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नॉट? यस सर. सबको क्लियर है? सक्षम का आंसर आ गया क्या? ओके सक्षम, गुड, योर आंसर इज करेक्ट. ये सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब दूसरा केस, 5 सेकेंड से 7 सेकेंड. Who will tell me what would be the acceleration between 5 to 7 seconds? Yes, Aksham, you are correct. 25. मतलब जीरो होगा सर. Acceleration from 5 to 7 seconds, acceleration will be equal to zero. आपको मैं दो रीजन समझाता हूं. पहली बात, ये पैरेलल है टू द टाइम एक्सिस, है ना? ये पैरेलल है या नहीं है टाइम एक्सिस से, ये बताओ. यस सर. तो यहाँ पर थीटा कितना बनेगा? जीरो बनेगा ना यार, ये तो सबको समझाया था. थीटा जीरो, थीटा जीरो, इसका मतलब टैन जीरो विल बी इक्वल टू जीरो, और टैन ही तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा. एक तो ये वन ऑफ द रीजन मैं कह सकता हूं. दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो तो यू कैन से दैट व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम 5 सेकंड टू 7 सेकंड योर वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट. नहीं दिख रहा आपको? दूसरे वे में आप ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, एंड वेलोसिटी विल बी कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन विल बी जीरो. व्हाट डू यू से? प्लीज टेल मी, हरी अप. यस सर. यस सर. भाई सबको क्लियर है कि क्यों एक्सेलरेशन जीरो है फ्रॉम 5 सेकंड टू 7 सेकंड्स? नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट. अब यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग, मुझे नहीं पता कितना समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. जानवी, कैन यू प्लीज टेल मी, माइनस सक्षम, यू हैव गॉट द राइट आंसर आई गेस. जानवी, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ वी विल फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन 7 सेकंड टू 10 सेकंड्स? 7 सेकंड्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सिंपल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. भाई एक्सेलरेशन निकालने का मतलब स्लोप, बट याद रखो एक्चुअली मैं आपसे कहूं तो स्लोप मींस दिस एंगल, बट दिस एंगल यू कैन नॉट फाइंड. तो व्हाट यू विल फाइंड? यू विल फाइंड दिस एंगल, ठीक है? एंड आई विल टेल यू व्हाई यू विल फाइंड दिस एंगल एंड इट विल बिकम स्लोप. आई विल कम टू दैट रीजन. मैं ये एंगल निकाल रहा हूं, मैं ये एंगल निकालूंगा, ठीक है? एक्चुअली में स्लोप वो नहीं है. अगर मान लो ये मैं कहता हूं इस एंगल को अल्फा और इस एंगल को बीटा, तो यहां पर जो स्लोप है ना, स्लोप स्लोप एक्चुअली में देखा जाए तो इट इज नॉट टैन अल्फा, इट इज टैन बीटा. अरे भैया, कुछ बोलते हैं मेरे बच्चों. यहां पर जो स्लोप है वो ये वाला एंगल नहीं है जो अल्फा से मैंने रिप्रेजेंट करा है. स्लोप वो वाला एंगल है जो बीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है. तो सर जब स्लोप ये है तो फिर आपने ये क्यों बोला कि ये फाइंड करो? मैं आपको रीजन समझाता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल है कुछ मान लो 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 30. टेल मी यस और नो? यस सर. ठीक है, सिमिलरली
अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि ये एंगल है, मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? ये होगा 180 माइनस थीटा। और इस एंगल का अगर मैं टैन ले लूं, ये जो एंगल निकला इसी का तो टैन लेना है ना, इसका नहीं लेना है, इसका नहीं लेना है, इसका लेना है। तो अगर मैं टैन 180 माइनस थीटा करूं तो ये आता है माइनस टैन थीटा। पता नहीं क्या पढ़ाया गया सर, 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डजंट चेंजेस एट 180 और 360। Yes, sir. तो tan 180 minus theta is कितना? Minus tan theta. तो ultimately वो यही तो हो गया ना, ultimately वो इसी के बराबर तो आ गया, बस उसमें minus लग गया। Yes, sir. जब तक मुझे सारे बच्चे इसको कहेंगे नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मौना। Yes, sir. बेटे देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, although आप लोग yes yes कह रहे हो, I don't know why or how you have you understood this or not, I don't know, right? फिर भी मैं एक फॉर द सेफ साइड में फिर से रिपीट कर रहा हूं। स्लोप ये है, इसका अगर मैं टैन लूंगा तो आई विल गेट द स्लोप, बट टैन ऑफ 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। मतलब अगर आपको ये निकालना है ना, ये निकालना है तो आप ये निकाल लो, आपको अगर इस वाले एंगल का टैन निकालना है तो आप इसका निकाल लो और उसमें माइनस लगा दो, बस यही करना है। नहीं यारी बात समझ में? मतलब आपको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मेरी बात समझे, मैं लिख सकता हूं टैन बीटा is nothing but tan of alpha with a negative sign. ये बात समझ लीजिए बस। इसीलिए जब यहां पर आप निकाल लें तो आपने बोला ये perpendicular और base कर लो सर, और उसमें बस minus लगा देना, और minus वैसे भी लगना चाहिए क्योंकि ये graph ऊपर से नीचे आ रहा है तो slope negative है, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे यहाँ, देखो मेरी बात समझे आप, acceleration is equal to slope, slope is equal to tan of alpha, मैं जानबूझ के mention कर रहा हूँ, that would be equal to perpendicular by base, perpendicular is 50, ये perpendicular है, ये 50 है, और base is 3, तो 3, बस इसमें क्या कर दो, इसमें minus sign बस लगा दो, समझ आई बात? Yes sir. Please इसको नोट करिए, अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, I will take one more question, but please before that you note this as fast as you can. So done. ठीक है, okay, good. I am coming to one more question based on the same concept. ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दैट आई विल बी गिविंग यू राइट नाउ, ठीक है? एंड आई होप आप सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको बेसिक पॉइंट्स याद रहेगा तो, इफ यू रिमेम्बर दोस पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं रिलेटेड टू एवरी ग्राफ, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन। ये देखो ये ग्राफ ऐसे, ये ऐसे क्या, कुछ नहीं है, सब टाइम पास है यार, कर क्या रहे हो आप? अल्टीमेटली यू आर फाइंडिंग द एरिया, दैट्स इट, आइदर यू आर फाइंडिंग द एरिया और यू आर फाइंडिंग द टैन ऑफ थीटा, यही तो कर रहे हो। और ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है? अब देखिए मैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम दे रहा हूं आपको, यहां पर कुछ दे देता हूं, यहां पर कुछ दे देता हूं, यहां पर कुछ दे देता हूं, एंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी लेट्स से इज अगेन ए वाले एक्सिस पे वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज 50, और ये वाला जो है इस एक्सिस पे टाइम है, एंड दैट इज इन सेकंड्स। तो आई एम गिविंग यू डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, ये 0, 0 है, ठीक है? और आगे देख लेते हैं, ये कुछ कुछ ले लेते हैं, कितना कितना ले लें, कुछ कुछ ले लें, ये 5 मान लो, ये 10 मान लो, ये 15 मान लो, ये 20 मान लो, ठीक है? सर फाइंड क्या करना है आपको, आपको फाइंड करना है जो मैं पूछ रहा हूं, बस वही करना है, फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है सर आपको बिटवीन, पहला 5 सेकेंड्स टू 15 सेकेंड्स, मतलब इसके बीच में 5 सेकेंड्स से 15 सेकेंड्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, ठीक है? दूसरा 0 टू
10 सेकंड्स, ये दो डिस्टेंस फाइंड करना है. दूसरा फाइंड एक्सेलरेशन एट, या एट ना लिख के मैं बिटवीन लिख दूं, बिटवीन पहला 10 एंड 15 सेकंड्स, दूसरा 15 एंड 20 सेकंड्स. I hope everyone have understood this question. Is it clear to all? Please respond. भाई क्वेश्चन आपको क्लियर है? दो ही काम आपने करना है. You again have to find the distance and the second is acceleration. I hope everyone has understood this question. I am giving you 3 to 4 minutes to solve this question now. मैं आपको 2-3 minutes दे रहा हूँ to solve this question. Please solve it and please respond to every of the part of the question. तो मैं आपको time दे रहा हूँ, पहले आप try करो. Then I'll solve. Sir, नीचे velocity की भी value बता दो. नीचे velocity तो है ही नहीं. अच्छा, यहां पर भी देनी पड़ेगी ना. ओके ओके, तो यहां पर की वैल्यू अगर नहीं है तो लेट इट एज 5, 25. ठीक है, आई होप अब क्वेश्चन इज कंप्लीट. प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ. ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग ईच एंड एवरी पार्ट. मैं आंसर अभी किसी से नहीं पूछ रहा. ओके ओके, चलो जल्दी करो फिर.
डन सर। चलो अब बताते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया बेटे, एक एक दो और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी आपको मुझे सिखाना है, तो इसलिए अब मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। ये सबके पास क्वेश्चन होगा, मैं वन बाय वन आई विल बी सॉल्विंग वन बाय वन ईच एंड एवरी पार्ट। पहला पॉइंट ये सर कि ये जो आपका है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम 5 सेकंड टू 15 सेकंड। मींस इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस वुड बी नथिंग बट द एरिया अंडर दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। सर तारिक भाई बताओ, एरिया ही तो निकालोगे ना? यस सर। अब ये एरिया कैसे निकालोगे? इस एरिया, पता नहीं आपकी मैथमेटिक्स बचपन वाले कितनी अच्छी है, बट ये एरिया आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो ये आपको दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, अगर आप देख पा रहे हो तो। यस सर। और ये आपको दिख रहा है, ये एक ट्रापीजियम है, और इन दोनों का एरिया, इफ आई एड द एरिया ऑफ बोथ आई विल गेट द टोटल एरिया अंडर दिस ग्राफ। ठीक है, अगर मैं दोनों एरिया ऐड कर दूं तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा इस ग्राफ के अंडर में। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको मेरी? हाँ ना तो बोल दो। यस यस सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर, अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ गई है तो अब मेरी बात सुनो। एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये देखो बच्चों, ये लेंथ 5 है या नहीं है, और ये वाली लेंथ भी 5 है, दिख रहा है आपको? ये भी 5 है और ये भी 5 है। When I am talking about rectangle, I will write this length as 5 and this height, which is breadth of this rectangle, would be 25. So 25 multiplied by 5 is the area of this rectangle. Tell me yes or no? Yes, sir. 25 into 5 is the area of this rectangle. Now, plus of area of this trapezium, इसको देखो ध्यान से, ये trapezium आपको दिखाई दे रहा है। तो trapezium में क्या करते हैं आप, half into sum of parallel sides. अगर आप यहां पे देखो कि which two sides are parallel here, तो आपको समझ में आएगा कि there are two sides parallel, which is this one and this one. ये दो sides parallel हैं। मतलब आपको मैं value लिख रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो I'll be glad. 25 plus of 50, these two sides are parallel. ये वाला और ये वाला, these are the two parallel sides. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये दो sides parallel हैं sir. Into height, height का क्या मतलब बताया था मैंने? मैंने आपसे बोला था height का मतलब होता है कि दो parallel side के बीच का distance. Height का मतलब होता है दो parallel sides के बीच का distance. और वो distance कितना है? तो that is also 5 here, right? तो ये multiplied by 5. क्लियर हो गई बात? यस सर। अब इसको सॉल्व कर लो जो भी आ जाए, तो चलो सॉल्व करते हैं। हरी अप, मैं ऊपर सॉल्व करके लिख रहा हूँ। एरिया इज इक्वल टू 525 इनटू 5 इज 125 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लस दिस विल बिकम 75, राइट? और ओके सेक्शन 75 हो जाएगा ये, और 75 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बिकम 375 डिवाइडेड बाय 2, this will become 187.5. add this with 125, theek hai, so this will become equal to what? 125 plus of 187.5, this becomes 312.5 meter. ab mujhe batao everyone, jab tak aapka sabka response mere paas nahi aayega main aage nahi jaunga, to isliye everyone please respond to me, क्या इज इट क्लियर टू ईच ऑफ यू और नॉट? यस यस, आई थिंक इट इज क्लियर टू ईच ऑफ यू, राइट? ओके, द नेक्स्ट डिस्टेंस मैं इरेज कर दूं, जल्दी से नोट करो, अगर किसी ने नहीं किया था या किसी का रॉन्ग हो गया था तो प्लीज नोट इट, सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन, ओके सक्षम, आई विल मैच योर आंसर, डोंट वरी। अब नेक्स्ट पार्ट में कौन से दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपने निकालना है, कौन से दो टाइम के बीच में, बिटवीन विच टू वैल्यूज ऑफ टाइम? आई थिंक इट इज बिटवीन फ्रॉम 0 to 10, राइट? सर नेक्स्ट पार्ट में डिस्टेंस कहां से कहां का निकालना है? 0 to 10 सर। 0 to 10, राइट? नेक्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 10, इसका मतलब यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, इज इट करेक्ट? यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया।
और इस एरिया को भी देखो तो इट इज अ ट्रैपीजियम. इसमें कौन से दो साइड्स पैरेलल है, ये वाला और ये वाला, दीज टू साइड्स आर पैरेलल. तो इसका एरिया अगर हम लिखेंगे फ्रॉम 0 to 10 की बात कर रहा हूं मैं, 0 to 10 seconds, तो एरिया वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस एंड दैट वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रैपीजियम दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो एक साइड ये है एंड इट्स लेंथ इज 10 एंड द सेकेंड साइड इज दिस. वॉट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड? इस वाले साइड का लेंथ कितना है? ऊपर वाला जो साइड है जो इससे पैरेलल है, ये यहां से ऐसे, तो दिस पॉइंट हैज 5 कोऑर्डिनेट एंड दिस हैज 10, तो इसका मतलब ये लेंथ 5 हो गया. गुड गुड जानवी, यू आर करेक्ट. तो 10 प्लस ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट. हाइट का क्या मतलब बोला था मैंने? ये जो दोनों पैरेलल डिस्टेंस है उसके बीच का पैरेलल लेंथ है उसके बीच का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितना होगा? 25 होगा. तो इसका मतलब है कितना होगा? 15 हाफ इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाई 25. अब सॉल्व करके जो भी आ जाए, समझ रहे हो आप? ठीक है, हाँ. 25 इंटू 15 डिवाइड बाई कितना है? 2 है, जो भी है. दिस आंसर इज 375/2 एंड जानवी यू आर एब्सोल्युटली राइट. क्लियर हुआ अभी भी या नहीं हुआ डिस्टेंस निकालने का? हाँ बेटा बोलो. Sir, I did area of triangle plus area of rectangle. You do whatever you want, but you will get the same answer. Sir, I got 125. So it means you have made some mistake. देखो, अगर हम area of triangle और area of rectangle करते हैं यहाँ पर, if I take triangle and rectangle, तो what I'll be getting? ये वाला triangle है, तो half into base. Base of this is 5, right? Into height. Height of this is 25. Plus of rectangle. Rectangle means length into breadth. Length of this is 5. Breadth is again 25. ठीक है? So this will become 25 into 5. 125 divided by 2. Plus of this becomes 25 into 5. Becomes 125. Add this up. The LCM that would we get. है ना? तो ये 250 plus 125. 250 plus 125 is 375 only, right? Divided by 2. Did you understand, Mahuna? Yes, sir. So I messed up that divide part. Okay. Okay, moving on. Next part, kya tha? Who will tell me the next part of this? Acceleration. You were supposed to find the accelerations, right? Aur kahan se kahan tak ka acceleration nikalna hai? 215. ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस, और ये वाला 5 है. ठीक है, चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं. एक्सेलरेशन मींस व्हाट? स्लोप. एक्सेलरेशन मतलब, ओके सक्षम, लेट मी चेक. एक्सेलरेशन मतलब स्लोप, और हमें पहला एक्सेलरेशन कहां से कहां निकालना है? एक्सेलरेशन बिटवीन 10 टू 15. ये थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है यहां पर. तो देखो, एक्सेलरेशन बिटवीन 10 सेकंड्स एंड 15 सेकंड. प्लीज टेल मी, क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन निकालना है. तो बेटे, अगर इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए. ये 10 टू 15 के बीच की लाइन तो यही है ना, मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए. इस लाइन का स्लोप का मतलब tan थीटा चाहिए. अब वो tan थीटा कैसे आएगा? तो देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी, ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. इस ट्रायंगल में अगर मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूं तो एक्सेलरेशन का मतलब tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय बेस. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस परपेंडिकुलर? हु विल टेल मी? व्हाट इज दिस लेंथ? ये लेंथ कितना है? 25. बस एक ही बच्चा बोल रहा है. तारिक, ये 25 है, ये आपको समझ में आ रहा है? दिस इज 25. यस सर. ठीक है, बिकॉज देखो, यहां तक ये 25 है और यहाँ ये 50 है, तो इन दोनों के बीच ये कितना हुआ? 25 ही तो हुआ. तो ये दिस विल बी 25 डिवाइडेड बाय बेस. बेस की वैल्यू कितनी है? तो देखो, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, तो ये 5 हुआ. तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज इट क्लियर, जानवी? यस सर. जानवी, गुड. अब मौना, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन 15 and 20, right? Excuse me, sir. 15 sec- yeah, excused.
सर हमने 10 टू 15 में नीचे एक रेक्टेंगल भी तो है उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया है नहीं 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 सी व्हेन यू आर फाइंडिंग द स्लोप यू डोंट नीड टू टेक द रेक्टेंगल स्लोप मींस व्हाट स्लोप इज द एंगल दैट द ग्राफ मेक्स विद एक्स एक्सिस राइट इफ आई ड्रॉ अ लाइन समवेयर हियर तो व्हाट वुड यू से मान लो ये यहां पर एक्स है और ये लाइन ऐसे ड्रॉ किया तो हाउ विल यू टेक द एंगल तो ऑब्वियसली यू विल जस्ट रेज दिस एक्स हियर and you will put this x coordinate here and you will measure this angle is it correct do you need to find out this area yeah, why would you find this nahi aaya tumhe nahi aaya aa gaya sir samajh agar nahi aaya to bolo agar main is line ko yahan extend bhi kar deta because this is a straight line at every point you will get the same slope right yes sir yes sir राइट टू अंडरस्टैंड कि इस ग्राफ का कोई भी पार्ट नीचे नहीं है ये ग्राफ यहाँ से यहाँ है इसको तुम चाहो तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कि दिस ग्राफ इज समथिंग पी टू क्यू दिस ग्राफ तो ये एंगल चाहिए मेरे को ठीक है अच्छा इसी तरह से इस वाले पार्ट पे आते हैं ये वाला पार्ट लास्ट पार्ट अरे क्या हो गया क्या हो गया हाँ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ देखिएगा 15 to 20 इसका मतलब इस लाइन का स्लोप सर कुछ तो बोलो yes, sir. 15 टू 20 इसका मतलब इस वाली लाइन का स्लोप मतलब इस ट्रायंगल में स्लोप चाहिए आपको तो ये एक्सेलरेशन होगा कितना tan थीटा इज परपेंडिकुलर अब इसमें अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर ये है 70. और परपेंडिकुलर की वैल्यू 50 है और बेस ये है तो बेस की वैल्यू 5 हुई या नहीं हुई बेटा yes, sir. अच्छा ये जो लिखेंगे ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा माइनस में तो दिस एक्सेलरेशन वुड बी -10 m/s² इज इट क्लियर और नॉट यस एवरीवन प्लीज रिस्पोंड टू दिस यस सर ओके तो बेटे आपको याद क्या रखना है यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फैक्ट कि भाई कौन सी क्वांटिटी से क्या मिलता है मतलब इफ यू हैव अ ग्राफ तो एरिया क्या प्रोवाइड करेगा आपको और स्लोप से क्या मिलेगा ये आपको जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे अगर आपको याद हो मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे थे ठीक है ये कुछ पॉइंट्स लिखे थे यहाँ पर कहीं पर कहीं तो लिखा था यहाँ पर ये आपको याद रखना है आप चाहें तो इसको अलग से लिख लीजिएगा अपने लिए और ये बात आपको याद रखनी चाहिए इफ यू रिमेम्बर दिस यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ राइट अब मेरी बात सुनिए ठीक है अब मेरी बात सुनिए ये तो हो गया एक वैरायटी अब इसी में मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूँ अब देखो इसमें एक और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक तो ये है कि आपसे वेलोसिटी का ग्राफ देके डिस्टेंस पूछ ले एक्सेलरेशन पूछ ले अरे स्पीड का ग्राफ देके आपसे डिस्टेंस पूछ ले तो ये तो एक वैरायटी हो गया क्वेश्चन का दिस इज वन ऑफ द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या है तो दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है बेटा कि आपको एक कोई ग्राफ दे दे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ ध्यान से सुनना ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने आपको दे दिया और मैं आपसे कहता हूँ ये ग्राफ ऐसे है आई होप एवरीवन इज गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग राइट ये ग्राफ सर आपका ऐसे है यहाँ पर ये वेलोसिटी 10 m/s मौना दिस वेलोसिटी इज 10 दिस टाइम एंड वेलोसिटी इज 0 हियर दिस टाइम इज 5 दिस इज लेट्स से इट इज 15 एंड लेट्स से इट इज 20 दिस टाइम इज इन सेकेंड्स एंड वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड This is velocity time graph. अब आपसे क्या बोला जाएगा मैं बताता हूं आपसे क्या कहेंगे आपसे कहेंगे draw acceleration time graph from given velocity time graph. Did you understand what I am saying? भाई velocity time graph आपको given है और आपको यहां से क्या पूछ रहा है वो दे आर आस्किंग यू कि भाई अगर मैं इस इंफॉर्मेशन से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा इज इट क्लियर पहले sir. तो मुझे ये बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन हु विल टेल मी velocity upon time is equals to acceleration. Yes, this is the relation of velocity and acceleration. तो graph के terms में अगर मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ slope.
इज इट क्लियर? मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स नाम दे देता हूँ, ये ओ पी क्यू एंड आर, आई एम कॉलिंग दिस एज ओ पी क्यू आर। अगर आप ध्यान से देखो ना, ओ टू पी, अगर आप यहां से यहां देखो तो इस पार्ट का अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना है मुझे, तो एक्सेलरेशन मैं क्या लिखूंगा, टेन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस 10 बाई 5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा या नहीं? हाँ ना बोलो सर, प्लीज रिस्पॉन्ड करो। आई होप सबको क्लियर है। अच्छा सर, वॉट विल हैपन टू पी टू क्यू वाला पार्ट, पी टू क्यू, वॉट इज द एक्सेलरेशन इन दिस केस? जीरो। डिड यू अंडरस्टैंड वाई? Yes, sir. Since slope is equal to zero. And why slope is zero? Because theta is zero. Why theta is zero? Because it is parallel to time axis. Okay. Moving to Q to R. If I'm going from Q to R, फिर से मुझे स्लोप निकालना है, ये थीटा निकालना है, बट उसके साथ माइनस लगा देना है. Yes, sir. तो acceleration would be equal to, again this height is 10 and this is 5. तो 10 by 5 with a negative sign. तो this will be equal to minus 2 meter per second square. Yes, sir. यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. We have calculated the values of time. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने time की values find करा है। मैंने time की value find किया है यहाँ पर। We have calculated the values of time, right? Oh, sorry, acceleration in given time. अब देखो, मुझे एक बात बताओ, कौन बताएगा? सर, O to P, acceleration की value remains 2 meter per second square. What do you mean? O से P तक acceleration constant है या change हो रहा है? Constant. Everyone please respond. भाई ये जो acceleration आया, ये O पे आया या P पे आया या O से P तक के बीच का आया है? O से P. O से P. इसका मतलब if you are going from O to P, acceleration at every point will remain same ना बेटे? Yes sir. Yes. Yes. तो acceleration remains constant, right? ये constant है. ठीक है, यहाँ से तो ये zero ही है, तो इसकी तो बात ही हटा दो. Again, from Q to R, acceleration becomes negative, but it is still constant. Yes. अब मुझे एक बात बताओ, constant acceleration का graph अभी सिखाया था आपको. देखो, यहाँ पर acceleration constant है, और कब तक constant है? From 0 to 5. Right? From 5 to 10, it becomes 0. तो मतलब ऐसे आ जाएगा, acceleration की value 0 हो जाएगी. Excuse me. And from 10 to 15 to 20, एक्सेलेरेशन कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया या नहीं हो गया? ये ऐसे दिखाई देगा या नहीं? Yes, sir. सर सोच के देखो, सर ये एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये वाला जो एक्सेलेरेशन है ये माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर जो टाइम की वैल्यूज है, वो टाइम की वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 15 है, और यहाँ पर आप आगे 20 दिखा दीजिएगा। ये स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये टी है, तो ये वाला 20, यहाँ पर जो टाइम का कोऑर्डिनेट होगा वो 20 होगा। अब मुझे बताओ ईमानदारी से कि किसको नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ सर। सर सक्षम, मैंने कुछ नहीं बताया खास, मैंने ये बोला कि देखो From O to P, you have constant value of acceleration, which is 2, and it will remain constant from 0 second till 5 seconds. P से Q जब जा रहे हो, तो acceleration becomes 0. यहाँ से यहाँ, this acceleration becomes 0. है ना? कब से कब तक acceleration 0 रहेगा? 5 to 15 seconds. And the last part is, कि when you are going from 15 to 20 seconds, acceleration constant है, फिर से 2, but negative है. तो इस acceleration को आप कहाँ पे दिखाओगे? Negative side पे. And because it is constant, तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, parallel to time axis. मुझे सब बोले एक बार जल्दी से, क्या ये समझ आया या नहीं आया है? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes. तो भाई आज ओके, तो आज इतना ही, इसको नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं कराया तो आज इतना ही, नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। डन सर। ओके बेटे।